अरे जीजा जी, ओ दीदी, खा लो भंडारे का खाना, फ्री का, बहुत मजा आ रहा है खाने में। मुझे जैसे ही पता चला मैं आप लोगों को बुलाकर यहाँ पर ले आया हूँ खाने के लिए। देखो पूरी सब्जी कितनी मस्त है, और हमारे जीजा जी तो खाकर प्लेट भी साफ कर दिए हैं, इतनी जल्दी खाते हैं क्या कहना है। अगर खाना अच्छा होगा तो 2 मिनट के अंदर ये प्लेट साफ कर देते हैं हमारे जीजा जी। लेकिन मैं तो यहाँ भी खाऊंगा और चुपचाप जेब में भर लूंगा सब्जी पूरी, और घर ले जाकर शाम को खाऊंगा। भाई जो हमारे अवेसी अंकल है ना, ये तो जिस भंडारे में जाते हैं वहीं पर पूरी चुरा लेते हैं और सब्जी चुरा लेते हैं, अपनी पैंट में रख के ले जाते हैं, घर पर खाते हैं। ये अवेसी ना बहुत बड़े और शातिर आदमी हैं, जहाँ भी भंडारा होता है सबसे पहले यही मिलते हैं उस भंडारे में। और जीजा जी कैसा खाना बना है बताओ। अरे साले साहब मज़ा आ गया खाना खाकर, देखो मैंने तो पूरी प्लेट साफ कर दी। और भी खाना हो तो मुझे दे दो, अपनी भी पूरी सब्जी दे दो, मैं तुम्हारा भी खाकर साफ कर दूंगा। बड़ी जोरों की भूख लगी है, ऐसा खाना देखकर तो मेरी भूख डबल हो जाती है। देखो प्रियंका भी अपना खाना खाकर चुपचाप बैठी हुई है, डकार भी नहीं ले रही है। और अवेसी है तो पूरी सब्जी चुरा के ले जाएंगे, घर पर खाएंगे, मैं कहाँ ले जाऊँगा, मेरे तो पैंट में जेबी नहीं है, नहीं तो मैं भी चुरा के ले जाता पूरी सब्जी। लेकिन राहुल साले साहब बहुत मज़ा आ गया खाना खाने में, ऐसे भी और कहीं भी भंडारा होगा तो हमें ज़रूर बुलाना, हम पूरे परिवार के साथ आएंगे खाना खाने, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ऐसा खाना खाए कई साल बीत गए, ऐसा खाना कहाँ मिल ही रहा है हम लोगों को। दिन भर काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, तब जाके दो दो तीन टाइम का खाना मिल पाता है, लेकिन ऐसा खाना खा के बहुत मज़ा आ गया राहुल भाई। ऐसा और भी भंडारा होगा तो हम लोगों को बुलाना, हम लोग चलेंगे आराम से खाएंगे बैठकर, और मौका मिलेगा अभी तो चुरा कर पूड़ियाँ भी लेंगे।